अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऐप ब्लॉग। आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, शानदार लगती है। ये जानिया रोड के साथ पड़ता है, साइड एरिया पे टाउन है। और इस टाउन के बारे में बहुत कुछ सुना था, तो हमने सोचा चलो इस टाउन पे जाके विज़िट करते हैं और लोगों को भी दिखाते हैं कि वाकई ये देखने से खूबसूरत लगता भी है या नहीं। चलो आज हम आए हैं, आप इसके सारा कुछ मंजर दिखाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये फ्रंट दरवाज़ा, यानी कि इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है इस टाउन का फ्रंट साइड। और ये देख लो, ये कितना माशाल्लाह खूबसूरत बनाया है इन्होंने। ये यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है जो देखभाल के रखा हुआ है। और अंदर से कुछ इस तरह का मंजर है, वरना मैं आपको अंदर ले जाकर सारा मंजर दिखाता, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड से पता किया था, उन्होंने कहा है कि भाई अंदर ले जाकर तो आप वीडियो नहीं बना सकते, मगर आप बाहर बाहर के साइड की आप वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि इजाज़त लेनी पड़ती है, अगर इजाज़त ना लो तो ये भी नाराज़ होते हैं। इसलिए ये जो जो आपको मंजर दिखा रहा हूँ, देखने से वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है, मंजर तो बहुत ही अच्छा है। इसने भी ये टाउन बनाया माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा बनाया। ये इन्होंने एक शुरू में हाथी लगा रखा है, और हाथी की माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्यारा बनाया है जिसने भी बनाया। ये यहाँ का ग्राउंड का इस तरह का मंजर है। ये दिख रहा होगा आपको, इन्होंने बैठने के लिए कुछ सीटें लगा दी हैं ताकि जो भी रेस्ट करना चाहे यहाँ पर आकर रेस्ट कर सकता है। बिल्कुल ये सड़क के साइड एरिया में बनाया है ताकि आने वाले लोगों के लिए रेस्ट एरिया भी बन जाए और बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क भी बन जाए। और इन्होंने दो यहाँ पर बैल लगा दिए हैं इस तरफ, और ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत घोड़ा इन्होंने बनाया, और उस तरफ गायों के वो बना दिए हैं। ये इतना प्यारा मंजर इन्होंने बना दिया। वैसे देखा जाए तो इन्होंने इस पार्क की शान को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ जानवर के, जैसे कहते हैं पुतले, या तो कुछ भी एनीथिंग कुछ कह सकते हो, वैसे ही इन्होंने बना के रख दिया। उस तरफ भेड़े हैं, इन्होंने एक आई थिंक चीता है, ये शेर की पत्नी क्या साली लगती है, क्या लगती है जी मुझे नहीं पता, ये वो नस्ल है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत है यार ये। और इस तरफ ये भेड़े बनी हुई हैं। ये सामने का व्यू कितना ही प्यारा लग रहा है, सड़क के साथ है, हालांकि लोगों को बेनिफिट इस चीज़ का हो रहा है, जो भी बंदा यहाँ रेस्ट कर सकता है ना, वो यहाँ पर आके कर सकता है, इन्जॉयमेंट की इन्जॉयमेंट हो जाती है। बच्चों के खेलने की पार्क एक साइड एरिया पे बना दिया गया है। कितना खूबसूरत ये मंज़र लग रहा है। ये आपको मुकम्मल इस पार्क का मुकम्मल व्यू आपको दिखा देते हैं। ये ऐसा है मंज़र, लोग देख लो, बीच में कुछ लोग आते हैं और इन्जॉयमेंट के लिए आते हैं यहाँ पर, तस्वीरें वगैरह खींचते हैं, या तो वैसे ही बच्चों को लेके आते हैं घुमाने फिराने के लिए। के हिसाब से ये पार्क बहुत ही प्यारा बन गया, बच्चे भी बहुत खुश होकर जाते हैं यहाँ पर जब यहाँ आते हैं। और दूसरी साइड का मंज़र कितना प्यारा लग रहा है, ये बहुत खूबसूरत मंज़र बनाया हुआ इन्होंने। इस टाउन की सबसे अच्छी शान जो है ना, वो ये पार्क है। इस पार्क की वजह से टाउन की शान और बढ़ गई है। माशाल्लाह का मंज़र तो बहुत ही प्यारा है। हाँ, इन्होंने इस तरफ झंडे लगा रखे हैं हवा की वजह से, वाकई ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। बस इस बात का दुख है कि हमें टाउन के अंदर की वीडियो नहीं बनाने दी, अगर टाउन के अंदर की वीडियो बन जाती तो हम आपको मुकम्मल मंज़र दिखाते इस टाउन का। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट किसी दिन ट्राई फिर से करेंगे, आपको अंदर का मंज़र ज़रूर दिखाएंगे इस टाउन का। ये यहाँ का मंज़र है, बहुत ही प्यारा मंज़र, मुझे तो ये जगह वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और कमाल की जगह है। जिसने भी ये टाउन बनाया है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाया है, खर्चा तो हुआ हुआ है, मगर ये देखो जगह की इन्होंने जिस तरीके से बनाई है ना, इसका फ्रंट साइड बहुत ही खूबसूरत बनाया है इन्होंने, कमाल की जगह बनाई है। अच्छा, ये वो सड़क है, ये टाउन के बिल्कुल एंड तक जा रही है, और इसका सेम टू सेम वैसा ही है जैसे शुरुआत है, एंड तक भी वैसे ही है मंजर। टाउन वाकई ही खूबसूरत बनाई है, मेट्रो सिटी खाने वाला, जहानिया रोड के बिल्कुल साइड एरिया पे आई है।
बहुत ही खूबसूरत है। जब इसके रात के वक्त लाइटिंग होती है तो लाइटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। किसी दिन अगर इंशाल्लाह मौका मिला तो आपको रात का भी मंजर दिखाएंगे इस जगह का। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट करना, और नेक्स्ट किसी टॉपिक या किसी जगह की आपको वीडियो बना कर अपलोड करेंगे अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।